नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल AICS IIT के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं प्रैक्टिकल फाइल जो CBSE 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की जानी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें आएगी, कैसे प्रोग्राम्स मैंने डाले हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानकारी पूरी मिलने वाली है। तो वीडियो बिना स्किप किए देखें, पूरा वीडियो देखें और समझे आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। इवन मैंने यहाँ पर इसका एक सैंपल भी रखा है, सैंपल मतलब पूरी प्रैक्टिकल फाइल रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक के ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं हूं संजय परमार, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहला पेज जो है वो है ऐसा रहेगा, कोई भी फॉर्मेट आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहां पे मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, तो यहाँ पे स्कूल या तो CBSE दोनों लोगों आप लगा सकते हैं वन बाय वन, मैंने एक ही सैंपल दिया है तो दोनों आप लगा सकते हैं आसपास में या ऊपर नीचे जैसे आप लोग आपको लगाने हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल नेम एड्रेस, वो आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कवर पेज बना सकते हैं। ये कवर पेज मैंने सिंपल सा रखा है, आपको जो भी चीज इसमें इंक्लूड करनी है आप कर सकते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे ये चीज लिखना जरूरी होता है क्योंकि आप ये सबमिट कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल इज सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ AISSCE एग्जामिनेशन सेशन। उसके बाद सेशन आएगा 2020-21। तो यहाँ पे ये जो लिखा है AISSCE, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन एग्जाम, तो ये है उसका फुल फॉर्म। तो ये आपकी जो एग्जाम आएगी इसका नाम ये रहता है, इसलिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि आपने फाइल क्यों बनाई है। उसके बाद देखिए सबमिटेड बाय आपका नाम आएगा, HOD कंप्यूटर, अगर कोई HOD है तो उनका नाम लिख दीजिए या तो आपके जो टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं उनका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्लास आपका 12 रहेगा और रोल नंबर अगर आपको मिला है तो आप यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, अगर अभी तक तो नहीं मिला है रोल नंबर तो आप यहाँ पे अभी छोड़ देंगे। रोल नंबर आपको यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर आएगा वो यहाँ पे डालना है, तो आप यहाँ पे डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कवर पेज ऐसे बनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट रखा है, इसमें फॉर्मेट कुछ डाल के यहाँ आप अपना नाम लिख लीजिए, फिर अपने जो कंप्यूटर टीचर का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है, सॉरी आपका नहीं, टीचर्स नेम, तो यहाँ पे टीचर का नाम लिख करके आप एक्नॉलेज कर सकते हैं उनको। फिर प्रिंसिपल का नाम भी आप वहां पे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो करते हैं, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे है स्कूल और टीचर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी होता है, यहाँ पे साइन होंगे आपके टीचर के, जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे उस टाइम जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो दोनों के साइन होने चाहिए, उससे पहले प्रिंसिपल के भी सील और साइन इसके ऊपर होता है। तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, ऐसा फॉर्मेट अगर आपको कहीं मिलता है तो आप वो भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि सबसे पहले ये द टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सर्टिफाइड आर, तो ये लाइन इसलिए लिखी है कि टोटल कितने प्रोग्राम्स आपने बनाए, टोटल कितने क्वेश्चंस आपने इंक्लूड किए हैं। तो CBSE के हिसाब से यहाँ 20 मैंने बनाए हैं। 20 कैसे बने हैं, 15 जो होंगे वो सीरीज और डेटा फ्रेम उनके प्रोग्राम्स है, उसके बाद जो है 4 वो मैटप्लॉट लिब के है पाइप प्लॉट के, और एक है वो MySQL का है, उसमें 15 क्वेरीज मैंने यहाँ पे इनपुट की है। तो जैसे आपके सिलेबस में दिया है प्रैक्टिकल वाले पार्ट में इतना दिया है, 15 प्रोग्राम्स आपको करने हैं सीरीज डेटा फ्रेम के, 4 प्रोग्राम आपको करने हैं प्रैक्टिकल फाइल के लिए पाइप प्लॉट के मैटप्लॉट लिब के, और जो एक है वो MySQL का क्वेश्चन आएगा जिसमें 15 क्वेरीज आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो मैंने ये पूरी चीज यहाँ पे इंक्लूड की है, तो अगर आप ये प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करेंगे तो ये भी वैलिड है, तो ये प्रैक्टिकल फाइल आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं अपना नाम लिख करके। चलिए, और मैंने ये इंक्लूड जो किया है वो है MS Word का फाइल है जिसमें आप एडिट भी कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये चीज रहेगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप अपना नाम लिख दीजिए और फिर प्रिंट आउट निकाल करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके टीचर जर्नल लिखवाते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, जर्नल लिखवाते हैं, तो अगर नहीं लिखवाते हैं तो ये बढ़िया सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे रेडीमेड है, तो आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला पेज मैंने जो रखा है देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस रखी है, यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर सिग्नेचर, तो जब आएंगे तब करेंगे, आपके जो टीचर है पहले कर देंगे, यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनर, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर है तो आपको रखना है, नहीं है तो इसको हटा दीजिए।
उसके बाद प्रिंसिपल सील एंड सिग्नेचर, तो ये यहाँ पे रहेगा प्रिंसिपल सील एंड सिग्नेचर। चलिए नेक्स्ट पेज में यहाँ कंटेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे पूरा इंडेक्स फिलअप नहीं किया है, सिर्फ आपको ये ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि सारे प्रोग्राम्स का इंडेक्स जो है मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो जो प्रोग्राम का डेफिनेशन है आप यहाँ पे लिख दीजिए, डेट, अगर पेज नंबर आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए तो आप वो कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, और लास्ट कॉलम में आपके जो टीचर है आपको पढ़ाते हैं उनका सिग्नेचर आएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो प्रोग्राम्स होंगे तो वो 15 प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो गए हैं। ये पहला प्रोग्राम मैंने सीरीज का लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कोड यहाँ पे है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, पहले कोड ऐसे अटैच कर देना है, तो मैंने सीधा पाइथन का स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, उसी प्रकार से इसका आउटपुट अटैच किया है, तो हर प्रोग्राम में इसी तरीके से आएगा। देखिए आप यहाँ पे, ये सेकंड प्रोग्राम, ये इसका आउटपुट, थर्ड प्रोग्राम इसका आउटपुट नीचे आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ प्रोग्राम तो इसका भी आउटपुट नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से। देखिए जो आउटपुट है उसको तुरंत लगा दीजिए, उसके पीछे प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और उसका आउटपुट को यहाँ पे लिख दीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें ठीक वैसी तरीके से मैंने लिखा है, तो ऐसे आपको डेफिनेशन वहां से कॉपी करके भी आप डाल सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए आठवा, ये नौवा, दिस इज टेंथ, उसके बाद इलेवंथ आएगा, और ये जो सीरीज में है वैसे ही सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आउटपुट के साथ, तो आपको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है आपके लिए, तो देखिए ये पूरा है जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे पार्ट टू डेटा विजुअलाइजेशन, अब डेटा विजुअलाइजेशन है उसमें 16वां प्रोग्राम मैंने कंसिडर किया है, और इसको यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको हम यहाँ करने वाले हैं कोड के थ्रू अटैच, तो यहाँ पे कोड के थ्रू मैंने कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे, और ये दूसरा टेबल है, इसके बाद यहाँ पे ये तीसरा टेबल है। आपको फॉर्मेट अगर चेंज करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं जैसे आपको करना है, इसी प्रकार से 19 रहेगा। उसके बाद ये 20 वाले में देखिए पार्ट थ्री डेटाबेस क्वेरी यूजिंग MySQL, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से है, तो ये पूरा यहाँ पे देखिए, पहले क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू का एक रिकॉर्ड मैंने रख लिया है, तो उसे की जरूरत है, बाकी जब आप इंसर्ट करते हैं प्रैक्टिकल में तो वहां पे पूरा इंसर्ट कर लीजिए, तभी आपको ऐसे आउटपुट मिलेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना करके रख दिया है आउटपुट के साथ, क्वेरी आउटपुट, क्वेरी आउटपुट, क्वेरी आउटपुट। यहाँ थोड़े से फॉन्ट आपको छोटे दिख बड़े दिख रहे हैं, उसका रीजन है मैंने इसको जूम किया हुआ है, आप 100% करेंगे तो इसको यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में आपको दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं, और ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल है, आप इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी ये प्रैक्टिकल फाइल पहुंचाइए, और अगर इनमें जो प्रोग्राम्स और जो क्वेरीज मैंने दिए हैं उसमें आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इवन ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना करके रख दिए हैं मेरे सेक्शन में, आईपी वाले सेक्शन में जाइए, वहां प्लेलिस्ट है, वहां से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने रख दिया है सारे प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम सारे कैसे होते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे ऐड डिलीट, जो जो चीजें मैंने इसमें लिखी है वो सारी वहीं से एक एक प्रोग्राम लिया है, जो प्रैक्टिकल्स के मैंने पहले से आपको क्वेश्चन दिए थे उसी में से, तो सॉल्यूशन वहां पर भी है, यहां पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आशा रखता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो